Hey friends and welcome back to Zareen Recipe World. Hope आप सब ठीक होंगे. So आज हम लोग बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है, यहाँ पे चिकन है, करीबन 600 to 700 grams है और ये बोनलेस चिकन है. अब उसमें मैंने डाल दिया है 2 tablespoons ऑफ योगर्ट और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि एकदम फ्रोजन हो गया है, तो ये थोड़ा कड़क था. साथ ही है नमक स्वाद अनुसार और अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर और 1 teaspoon है जीरा पाउडर और 1 tablespoon है रेड चिली पाउडर जो कलर वाली है. अब इन सब को अच्छे से कर लेंगे मिक्स. आपको कश्मीरी रेड चिली यूज़ करना है इसमें. अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ऐड नहीं किया था फूड कलर, तो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था ये अच्छे से, ये देखिए मैंने इसे मैश कर लिया था अच्छे से हाथ से, तो ये मेल्ट हो गया है. तो बस अभी इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स. और मिक्स करने के बाद करीबन इसे रख देंगे 1/2 hour के लिए मैरिनेशन के लिए. ज़्यादा नहीं रखना है, बस आधे घंटे के लिए इसे रख देना है. और इसके अंदर हमें डालना है लेमन जूस भी. तो यहाँ पे करीबन मैंने डाला था 1/2 teaspoon लेमन जूस. तो बस अभी इसके अंदर लेमन डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको रख देना है. सो नाउ इट्स रेडी फॉर द मैरिनेशन. और मिलते हैं अब इसके आधे घंटे के बाद. फिलहाल तक के लिए हम जो है हमारा राइस बॉईल कर लेते हैं. राइस बॉईल करने के लिए जो मैंने लिया है खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है लौंग, बादियान डाला है और अब डालेंगे यहाँ पे शाही ज़ीरा. शाही ज़ीरा जो है 1 teaspoon डाला है, नॉर्मल ज़ीरा मैंने नहीं डाला था. और ब्लैक पेपर डाला है और दालचीनी का जो है 1 inch का स्टिक मैंने इसमें ऐड किया है और सॉल्ट टू टेस्ट. ये बॉईल होने लग गया है पानी. अब इसके अंदर डालेंगे मिंट लीव्स और मिंट लीव्स के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हमारे सोक किए हुए बासमती राइस. तो यहाँ पे करीबन मेरा 1/4 kilo या तो 1.5 kilo जितना हमारा राइस है. तो बस इसे अच्छे से सोक्ड कर लिया था मैंने पानी में और अभी इसके अंदर डाल दिया है. ये बॉईल होगा थोड़ा सा हाफ कुक होगा, उसके बाद हमें निकाल लेना है. तब तक की ग्रेवी की तैयारी करेंगे. यहाँ पे मेरे पास है बरिस्ता और ये परफेक्ट फ्राइड अनियंस है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको. तो इसको मैं एक जार में ऐड कर लूँगी और उसके साथ में डाल दूँगी दही. और दही करीबन लूँगी मैं 4 tablespoons. तो बस इसे अच्छे से दही के साथ आपको ब्लेंड कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए. तो देखिए यहाँ पे पैन में मैंने हल्का सा तेल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ चिकन के पीसेस को. तो बस सभी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे. दोनों साइड से कुक करना है हमें, अच्छे से ब्राउन कलर आने देना है और फुल कुक करना है. ऐसा नहीं कि हाफ कुक चाहिए हमें चिकन, अच्छे से कुक कर लेना है. तो आपको धीरे धीरे इसके स्मॉल बैचेस में आपको फ्राई करना है, आपको ओवरलोड नहीं करना है पैन को, वरना फिर ये अच्छे से कुक नहीं होंगे. और जब तक कि हमारा चिकन फ्राई हो रहा है ग्रेवी की भी तैयारी कर लेंगे. यहाँ पे पैन में मैंने 4 tablespoons ऑयल डाला था और 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है. उसके बाद में मैं डालूँगी यहाँ पे टमेटो प्यूरी. तो टमेटो को जो है मैंने ग्रेट कर लिया था और छिलका निकाल दिया था. तो यहाँ पे करीबन मैंने 4 बड़े टमेटोज दिए हैं ग्रेट करके. बस अभी इसे अच्छे से कुक करेंगे, इसका ऑयल लीव्स होने तक के हमें इसे कुक करना है. तब तक के टमाटर अच्छे से कुक हो जाएगा. मीनवाइल हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो रहा है और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है आपको बीच बीच में चलाते रहना है, वरना भूल जाएंगे तो फिर ये जल जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे पानी बहुत छूट रहा था टमाटो का, तो अच्छे से इसे कुक होने देना है. और ये देखिए मैं टर्न कर करके जो चिकन को है पका रही हूँ अच्छे से. और ये देखिए कितना अच्छा सा बढ़िया सा कलर आ रहा है एक फ्राइड चिकन का. बस इसी तरीके से हमें सारे चिकन जो है वो कुक कर लेने हैं. तो बस कवर करके आप कुक करिए ताकि ये अच्छे से गल भी जाए अंदर से और जल्दी कुक हो जाते हैं. तो देखिए ये मेरा जो चिकन है वो रेडी हो गया है. बस अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और बाकी के जो चिकन है इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी.
तो जो ये वाला चिकन है फ्राई हो रहा है और इसका जो मैरिनेशन बचा था उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूंगी। तो हमारा जो टमेटो है बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देख सकते हो आप, जो तेल थे वो उसका छूट गया है, तो पानी जो था जल गया है और ये पानी जो था मेरा मैरिनेशन वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है हमने अनियंस को पेस्ट बनाया था अनियन एंड योगर्ट का, बस वो भी इसमें ऐड कर देना है और उसको फिर अच्छे से भूनना है। आपको दही और अनियन का मिक्सचर डालने के बाद आपको अच्छे से करीबन 10 से 15 मिनट इसे भूनना पड़ेगा। तो बस अच्छे से भूनेंगे तब की बिरयानी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो भून के हो गया है हमारा, मसाले में से तेल अच्छे से निकल गया है तो सेपरेट हो गया है तेल, तो मैंने चिकन के पीसेस जो है वो डाल दिए हैं। और ये जो पैन है ना, इसको भी आपको मसाले जो चिपके हैं उसको ऐसे ही नहीं रहने देना है, उसके अंदर अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर दीजिए और फिर वो डाल दीजिए, जो उसका टेस्ट है ना चिकन का सारा उसी में मेन होता है, तो वो बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। और ये देखिए हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस अभी इसमें बाकी के सारे मसाले जो है हम वो डाल देंगे जो कि अभी तक हमने ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है शान का टिक्का मसाला, तो चिकन टिक्का मसाला मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, और ये होममेड बिरयानी मसाला है तो ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। तो ये होममेड बिरयानी मसाला जो है इसका डिस्क्रिप्शन आपको ये लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस इसे डाल के अच्छे से मिक्स करना है और करीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए ही कुक करना है, ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला जो है वो ड्राई है ऑलरेडी, बस इसे अच्छे से थोड़ा मसालों का इसमें टेस्ट अच्छे से आ जाए इसीलिए हम कुक करेंगे और इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में थोड़ा बरिस्ता जो था मेरे पास होल अनियन फ्राइड अनियंस जो थे तो थोड़े से मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये 5 से 10 मिनट में जैसा मैंने कहा वो रेडी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी आपको डालना है क्योंकि जो मसाला है थोड़ा तीखा कम है, तो अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं वरना इट्स ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी और बस अब ये मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भून जाएगा और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। सो नाउ इट्स रेडी और अब हम बिरयानी को जो है बिछाएंगे। तो मसाला जो है मैंने खाली कर लिया था एक बर्तन में और उसी बर्तन में मैं अभी बिछा रही हूँ अपनी बिरयानी, लेयरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर पे मैंने ऐड कर दिया है राइस, तो राइस जो है वो हाफ कुक्ड है, फुल कुक नहीं है, तो हल्का सा कच्चा रह जाए बस आपको तभी इसके निकाल देना है। तो यहाँ देखिए ये जो राइस है इतना फरारे हुए थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे। बस एक लेयर हमें राइस की पहले कर देनी है, उसके बाद में हमें इसके ऊपर डालना है केसर वाला दूध। तो यहाँ पे केसर को मैंने सोक्ड करके रखा था मिल्क में, इससे नेचुरल कलर अच्छे से आ जाएगा बिरयानी में और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और ये है मिंट लीव्स, इसके साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राइड अनियंस। सो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट फ्राई अनियंस, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, वो आपके अनियंस इसी तरह एकदम परफेक्ट हमेशा फ्राई होके मिलेंगे आपको। और ये हमारी ग्रेवी में इसमें ऐड कर रही हूँ, अभी एक लेयर जाएगा ग्रेवी का, बस आपको ये प्रोसेस 2 लेयर तक रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक लेयर अच्छे से ग्रेवी का बिछा दूंगी, उसके ऊपर फिर से एक लेयर होगी राइस की। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया है ग्रेवी का, अब मैं सेकेंड लेयर ऑफ राइस जो है इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी इसके ऊपर राइस आप डाल देंगे, उसके बाद आपको जो है केसर डालना है, उसके बाद आपको मिंट लीव्स डालना है, उसके बाद आपको ब्राउन अनियंस डाल देना है। सो ये देखिए ये बहुत अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से लेयरिंग हम कर देंगे। तो जो बाकी की लेयर थी
ग्रेवी की, हम उसे अच्छे से एक अच्छी सी लेयर डालेंगे इसके ऊपर, इवनली डालेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से लेयर हो गया है। अब इसके ऊपर जो है मैं तेल डाल रही हूँ, तेल जो है करीबन 2-3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, और बस अभी कवर करके अभी इसे दम कुक करेंगे एकदम धीमी आंच पे, और अब ये 1 घंटे के बाद रेडी होगी। सो ये हमारी बिरयानी जो है वो रेडी है, चिकन टिक्का बिरयानी। ये देखिए गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। आपको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। और सब्सक्राइब करिए और फॉलोअप कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी। तो देखिए ये लग रही है ना बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी, तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। बस इसमें डिफरेंस ये था कि हमने इसमें चिकन टिक्का का जो मसाला है वो ऐड किया था और जो चिकन को फ्राई किया था, और ये बहुत ही सच में मज़े की बनती है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने ट्राई किया है मेरी ये रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो ज़रूर शेयर कीजिए मेरी ये रेसिपी आपके फ्रेंड्स के साथ में भी, और लाइक कीजिए, फॉलोअप कीजिए, और बनाते रहिए अच्छा अच्छा खाना और खाते रहिए, और मुझे टैग करिए अगर आपने मेरा रेसिपी ट्राई की है तो। ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने लास्ट में दिया हुआ है ज़रीन ऑफिशियल, तो आप ज़रूर मुझे फॉलोअप कीजिए और लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।